ठीक है पद और ओहदे का नशा कभी कभी इंसान के सर इतना हावी हो जाता है कि वो सही और गलत के अंतर को अनदेखा कर अपने पद की गरिमा को ही भूल जाता है। ऐसा ही एक मामला चकराता कैंट का सामने आया है, जहां रोज की भांति कूड़ा संग्रहण वाहन VKM बाजार पहुंची। वाहन को रोड पे खड़ा कर सफाई कर्मियों द्वारा वाहन में कूड़ा संग्रहण किया जा रहा था, तभी पीछे से नायब तहसीलदार की गाड़ी वहां पहुंची। तहसीलदार साहब को अपनी गाड़ी के आगे कूड़ा वाहन का खड़ा होना नागवार गुजरा। तब क्या था, साहब दिखाने लगे अपने ओहदे का रौब और आओ देखा ना ताव, साहब बरसाने लगे कूड़ा वाहन पर लट और साथ ही करने लगे सफाई कर्मियों के साथ गाली गलौज। बाजार में उपस्थित लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामले को शांत कराया। सूचना मिलने पर कैंट बोर्ड द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी काम में बाधा डालने और सफाई कर्मियों से अभद्रता करने के खिलाफ चकराता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं नायब तहसीलदार ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आपको यह भी बता दें कि पूर्व में भी ऐसी शिकायतें नायब तहसीलदार के खिलाफ मिली हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर कंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। अरे कल ना वो वहां से आया ऊपर से ना चौक से कूड़ा भरते हुए और फिर नीचे को आए तो वो उनकी गाड़ी पीछे से आई तो उन्होंने पहले हॉर्न बजाया होगा, मेरी गाड़ी में कोई कूड़ा डाल रहा था। अच्छा तो वो आए उतर के वो तहसीलदार साहब और सीधा गाड़ी में पहले एक मारी डंडे से, फिर थोड़ा सा उन्होंने गाली गलौज भी करी, फिर दोबारा एक जाते हुए फिर डंडे से मारी, गाड़ी में डेंट भी आ गया था और फिर चले गए। वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार दो होते हैं, वो तहसीलदार थे कि नायब तहसीलदार थे? नायब तहसीलदार थे। अच्छा हाँ जी ठीक। नाम क्या है नायब तहसीलदार का? अब नाम तो जी मैं उनका भूल गया, मैंने कल पूछ केशव दत्त जोशी। ठीक है ठीक। कल लंच के बाद मेरे स्टाफ के द्वारा मुझे सूचित किया गया कि नायब तहसीलदार उनकी डेजिग्नेशन के बारे में क्लियर पता नहीं है, पर शायद वो नायब तहसीलदार पोस्ट होल्ड कर रहे हैं KD जोशी। उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कृत्य किया है और जो हमारी डोर टू डोर कलेक्शन का व्हीकल है ये शायद बाजार में कहीं कलेक्शन के लिए रुके थे, इनके पीछे उनकी गाड़ी आई और गाड़ी से उतर के उन्होंने ड्राइवर के साथ काफ़ी अभद्र व्यवहार किया, उनको मारने के लिए कोशिश किया और डंडे से गाड़ी में भी प्रहार किया है और गाड़ी में कई जगह डेंट भी है। तो मुझे जब इस बात का इंटीमेशन हुआ तो स्टाफ का कहना है कि ये रिपीटेडली होता है सब, तो ये इसको अगर रोका नहीं गया तो ये आगे और भी बार बार रिपीट होगा, अतः इसलिए मैं उचित कार्रवाई के लिए मुझे सजेस्ट किया गया। पर मुझे लगता है कि मैंने उनसे ये कहा कि भाई पहले आप इसका कोई CCTV या फुटेज मिलता है उस प्रकरण का पुष्टि होती है तभी कोई कार्रवाई करें, तो इसके बाद मैंने स्टाफ से कहा कि आप CCTV फुटेज कलेक्ट करिए। जब CCTV फुटेज मेरे का समूह का आया है तो मुझे देख के थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ है कि एक सरकारी शासकीय अधिकारी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बिहेव करें और पब्लिकली एब्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल करें और सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुँचाएं और सरकारी कार्य में बाधा डालें, क्योंकि ये एक अपराध है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना और सरकारी कार्य में बाधा डालना। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने बिहेव को कंट्रोल करें और आगे से भविष्य में इस तरीके की कार्रवाई ना करें। उनको भी खुद को पता होना चाहिए कि वो भी एक सरकारी अधिकारी है, तो सरकारी अधिकारियों को पब्लिकली किस तरीके से बिहेव करना चाहिए इसकी मर्यादा, एक अधिकारी की मर्यादा का उल्लंघन ना करें और सरकारी संपत्ति का नुकसान ना पहुँचाएं।
उनसे कोई पर्सनली एलिगेशन नहीं है। मैं सिर्फ डिपार्टमेंट से ये चाहूँगी कि उनको सही रास्ता दिखाएं, सो दैट कि उन्होंने जिसके पहले भी कई कई प्रकरण हुआ है जो हम इंसिडेंट कर रिकॉर्ड नहीं किए तो ये रिपीटेडली ना हो, इससे सरकारी कर्मचारियों की जो मोरल है वो डाउन होता है। हम भी एक सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर्विस देने के दौरान उनको इज्जत से पेश आनी चाहिए। एक सफाई कर्मचारी रास्ते में आपका कूड़ा धो रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन कर रहा है, तो उनको सहयोग करें, ना कि उनको एब्यूज करें, उनको गाली गलौज करें या उनको प्रताड़ना, जिस इंसिडेंट में दिखता है प्रताड़ना, तो इन प्रताड़ना से दूर रहें, सो दैट कि उनका भी मोरल बूस्ट हो और समाज के लिए या पब्लिक सर्विस के लिए अपने बेस्ट दे सकें। बस इसी के साथ मैं इच्छा रखता हूँ कि जो नायब तहसीलदार जी है वो हम पे बिहेव को कंट्रोल करेंगे और आगे से इस तरह के इंसिडेंट दोबारा रिपीट नहीं हो।